हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक की प्लेसमेंट्स बताऊंगा। 2023 की लेटेस्ट है। साथ ही यहां पर ये सभी ब्रांचेस की प्लेसमेंट्स नहीं है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं। इसमें सिर्फ दो ब्रांचेस की प्लेसमेंट्स बताऊंगा जो कि ऑफिशियल है बिल्कुल भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की यानी कि CS जिसको आप बोलते हो, जो एक्चुअली में जो नॉन सेल्फ फाइनेंस वाला है। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की। इन दो की डिटेल में प्लेसमेंट्स है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अभी बाकी ब्रांचेस की नहीं है तो इनकी मैं कर देता हूँ। कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप इन्हीं पे ला दो। सो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी गई हैं, स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जिसकी जाती ही है। कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि JMI का प्लेसमेंट इतना सही नहीं है, तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे क्या रियलिटी है। कुछ टाइम पहले मैंने प्लेसमेंट बताया था, बट वो एक्चुअली में डेटा तो सही था, बट उसकी ड्यूरेशन अलग थी, इस वजह से वो 2023 का डेटा नहीं था। एक्चुअली मैं सही डेटा था। सो यहाँ पर एक्यूरेट डेटा मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। देखो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है अप्रोक्स 70 सीट्स होती है एक ब्रांच में जब आप एडमिशन करवाते हो। तो कितने उसमें से एलिजिबल है प्लेसमेंट के लिए 2023 में, उसका कोई डेटा नहीं है। 70 स्टूडेंट्स टोटल है, उससे हम लेकर चलते हैं। स्टूडेंट जितने प्लेस हुए हैं 70 में से, उनका अमाउंट है 61 2023 की। तो देखो 61 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। एक्चुअली में मैंने जो पहले बताया था उसमें मैंने बताया था 17 स्टूडेंट प्लेस्ड है, तो थोड़ा अलग डेटा था। यहाँ पर एक्चुअली ये एक्यूरेट है, 61 स्टूडेंट्स प्लेस्ड है, जो कि काफी कमाल का है, मतलब बहुत ही ज्यादा सही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप खुद देख लो, यहाँ पर 85% से ज्यादा यानी अप्रोक्स 87-88% इसका प्लेसमेंट रेट है, जो कि काफी सही बोलेंगे। यहाँ पर मैं प्रोस एंड कॉन्स की ही बात करूंगा आगे रिव्यू में। यहाँ पर सबसे अब हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पैकेज एक बार 43 लाख का गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, 40 के अराउंड का, वो 2021-22 की बात है। बट 23 में हाईएस्ट पैकेज जो है वो 21 लाख का था, जो कि दो स्टूडेंट्स को गया, किसकी तरफ से, मेटा 16 लैब्स की तरफ से। सारे डेटा मेरे पास इस टाइम पे है। यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट, वो 19 लाख का था, जो कि यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स को था, सी डॉट की तरफ से, जिसपे कमेंट भी आया था कि जब मैंने प्लेसमेंट बताया था तो उसमें कमेंट भी किया था एक स्टूडेंट ने कि सी डॉट की तरफ से 19 लाख का पैकेज है 11 स्टूडेंट्स को। एक्चुअली में वो सही डेटा था, जब मैंने दोबारा से अलग दूसरे वेब मतलब वो तो वो भी जामिया की ही थी, लेकिन उसमें प्लेसमेंट सेल के पोर्टल पे जब मैंने चेक करा तो एक्यूरेट में वो सही थे। यहाँ पर अगर हम बात करें लोवेस्ट पैकेज का तो 3.36 लाख पर एनम का है। ये सारी चीजें अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बता रहा हूँ। 3.36 लाख पर एनम का लोवेस्ट पैकेज है, एक ही स्टूडेंट को है, TCS निंजा की तरफ से। यहाँ पर अगर हम बात करें मीडियन पैकेज की तो वो काफी सही है, 12.59 लाख पर एनम का मीडियन पैकेज है, जो कि यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से देखने के लिए मिलता है और काफी सारे पैकेज हैं यहाँ पर इसके। यहाँ पर अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो वो 12 लाख का है। अगर हम एक्यूरेट बताएं तो 11.96 लाख पर एनम का CS कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज गया 2023 में बीटेक के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेसमेंट्स काफी अच्छी है। इलेक्ट्रिकल की भी इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर प्लेसमेंट रेट भी काफी अच्छा है। अगर हम फीस के अकॉर्डिंग देखें तब तो बहुत सही है, क्योंकि इसकी फीस ये सेल्फ फाइनेंस वाला नहीं है। सो यहाँ पर काफी सही चीजें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, अब देखो प्रोस एंड कॉन्स में इलेक्ट्रिकल की बात बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा सही बता दिया था मैंने, बट वो भी सही डेटा है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। अब जो एक्यूरेट डेटा है मैं आपको बता देता हूँ इस बीच में, जो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए वो बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे डेटा एक एक लिखा हुआ है तो मैं वही मैच कर रहा हूँ। 34 स्टूडेंट ही प्लेस्ड हुए हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं सब में 70 सीट्स हैं। तो देख सकते हो अप्रॉक्स 49% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एक अच्छी ब्रांच है, उसके अकॉर्डिंग इतने और भी होने चाहिए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम पैकेज की तो JIT जापान की तरफ से एक ही स्टूडेंट को है 18 लाख पर एनम का, जो कि मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट 17 लाख का है, ये भी एक स्टूडेंट को। मेरे पास एक एक डेटा आ चुका है, मतलब कितने पैकेज का कितने स्टूडेंट्स को है। तो अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो यार मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको वो भी भेजने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें लोवेस्ट पैकेज की तो 4.5 लाख पर एनम का है एक ही स्टूडेंट को। यहाँ पर अगर हम मीडियम पैकेज की बात करें तो वो 6.9 लाख का है DLF की तरफ से, आप अप्रोक्स 7 लाख बोल सकते हो। एवरेज पैकेज ठीक है, अच्छा है, 8.35 लाख पर एनम का इलेक्ट्रिकल का एवरेज पैकेज है। तो ये तो थी कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल के ब्रांच वो प्लेसमेंट्स। बीटेक की बात हो रही थी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बचते हैं सिविल मैकेनिकल और ECE, इनकी देखो प्लेसमेंट अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं है मेरे पास, और जब भी आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
अब बात करें उन तीन ब्रांचेस की जो अभी इस साल ऐड हुए हैं, तो देखो उनकी तो अभी बैच स्टार्ट होगा इस साल, तो 4 साल बाद पास आउट होगा तब जाके प्लेसमेंट मिलेंगी हमें ऑब्वियसली। अब इसके बाद रिव्यू की अगर हम बात करें, तो देखो रिव्यू क्या ही बात करें, सब कुछ सही है क्योंकि यहाँ पर हम फीस भी एक तरफ नजर में रख रहे हैं, साथ ही कट ऑफ भी नजर में रख रहे हैं, क्योंकि इतने लो रैंक पे तो आई थिंक इस लेवल का कोई भी कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करेगा इतने लो रैंक पे। देखो 45,000-40,000 तक आपको सीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ मिल रही है। अभी सीएस डेटा साइंस तो यार बहुत लो चली जाएगी, वीएलएसआई देखो कितने लो जा रही है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स देखो कितने लो पे मिल रहा है, ऐसा कोई भी कॉलेज इस लेवल पे तो आपको खैर नहीं मिलेगा। अगर आप इसको जीएफटीआई में डालोगे तो कट ऑफ बहुत हाई हो जाएगी, मतलब जीएफटीआई से किसी से कंपेयर कर लो, जेएनयू इससे अच्छा नहीं है। अगर हम डिटेल में कंपेरिजन जल्द करूंगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेएनयू का बीटेक इससे अच्छा भी नहीं है, बट फिर भी जेएनयू की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। सेम एनआईटी दिल्ली की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, अब एनआईटी दिल्ली से कैसा है उस पर कंपेयर करेंगे डिटेल में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, बस थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू की अगर हम बात करें तो थोड़ा पुराना यहाँ पे सब चलता है, कल्चर जो है थोड़ा पुराना है, चाहे यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न इतना आईआईटीज एनआईटीज जैसा नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। बाकी आप देख ही सकते हो प्लेसमेंट्स कैसी हैं। यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो इसीलिए। बाकी कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।